फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले यदि आपने प्रश्नावली 5A, प्रश्नावली 5B और प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपका है 34 + 32 + 30 + 10 तक दिया हुआ है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा, प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवाया था, उसमें लिखा था पदों तक, लास्ट में पदों तक दिया रहता था। तो आप समझ जाते थे कि n का मान, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहले का एक क्वेश्चन जो दिया है 22 पदों तक, यानी कि जो n का मान है वो 22 है। यहाँ पर लास्ट में पदों तक नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर n का मान नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो लास्ट वाला वैल्यू है, जो लास्ट वाली मान है, यह आपका an का मान है। तो इस क्वेश्चन का हल आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर यदि हम ए की बात करें तो ए का मान आपका कितना है 34, डी का मान आपका कितना है तो A2 - A1, A2 का मान है आपका 32 माइनस A1 का मान है 34, तो 32 में से 34 घटाएंगे माइनस कर दो, और An का मान आपका कितना है, An का मान आपका है 10। आपको योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान ज्ञात होना जरूरी है, जो कि आपको n का मान नहीं पता है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता है कि an बराबर होता है a+n-1 × d। तो an बराबर a+n-1 × d से हम n का मान निकालेंगे, फिर हम योगफल निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, an का मान आपको दे रखा है 10 बराबर a का मान आपका कितना है 34 प्लस n का मान नहीं पता है तो n-1, और d का मान पता है माइनस कर दो और सॉल्व कर लीजिए। a 34 इधर आएगा तो 10 माइनस का हो जाएगा 34 बराबर हो जाएगा n-1 × का माइनस कर दो 10 - 34, तो -34 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 24 मिलेगा, बराबर मिलेगा आपको n-1 × का माइनस कर दो। तो यहां से आप n-1 यदि आप निकालेंगे तो -24 मिलेगा, माइनस का जो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से 24 को काटेंगे तो 12 मिलेगा, यानी n-1 बराबर आपको मिल गया 12। तो n बराबर यहाँ से कितना मिल गया 13। अब आपने n का मान निकाल लिया तो आप इस जो श्रेणी दी गई है इसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो अब इस श्रेणी का आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपको n का मान पता हो गया। तो योगफल का जो फार्मूला होता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका होता है 2a+n-1 × d। ए आपका किसी भी श्रेणी के योगफल का फार्मूला होता है। यहाँ पर n का मान 13 रख दीजिए, 13/2, 2 a का मान आपका 34 है प्लस n का मान 13 - 1 और d का मान है -2, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 13/2 हो गया, 2 का 34 में गुणा करेंगे तो 68 आएगा प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, गुणे हो जाएगा -2। अब आगे सॉल्व कर लीजिए तो 13/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, -2 × 12 करेंगे तो -24 आएगा। तो 68 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 44, अब गुणे ये आपका 13/2 है ही, तो आप 2 से काटिए तो 2 वैसे m कितना होगा 44। सब 22 का गुणा 13 में करना है तो 13 × 26 को 6, 13 × 26 और 2 = 28, यानी जो आपका इस श्रेणी का जो योगफल आया 286, यही आपका आंसर हो जाएगा।
आशा करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आपका है -5 + -8 + -11 + --++ का 203 दिया है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सॉल्व किया, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हल। यहाँ पर मैंने आपको बताया यदि किसी भी श्रेणी में लास्ट में लिखा रहता है पदों तक तो वो आपका यन का मान होता है, लेकिन यहाँ पर पदों तक नहीं लिखा गया है, यानी ये जो वैल्यू आपको दिया गया है, ये जो मान आपको दिया गया है, ये आपका एन का मान है, यानी एन का मान है -230। अब ए का मान आपका कितना है, ए का मान है -5। डी का मान निकाल लीजिए तो a2 का मान है -8 माइनस और a1 का मान है -5, तो -8 + 5 करेंगे तो -3 मिल जाएगा, ए आपके डी का मान हो गया। अब आपको सबसे पहले इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान पता होना चाहिए, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, an बराबर होता है a+(n-1)d। an का मान आपका है -230 बराबर a का मान आपका है -5 + (n-1) और d का मान आपका कितना है -3। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपका -230 बराबर -5 + इस -3 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से हो जाएगा -3n, a- और a- + यानी +3 हो जाएगा। तो यहां से आपका -230 बराबर -5 + 3 करेंगे तो -2 और उसके बाद से -3n, a-2 इधर लाएंगे तो कितना होगा -230 + 2 बराबर -3n। 230 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा -228 बराबर आपका हो जाएगा -3n, a- से a- कैंसिल, फिर n बराबर आपका कितना आ जाएगा 228/3, तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, यानी n का जो मान आया वो आपका आया 76। n का मान आपने निकाल लिया 76। अब n का मान आपको पता हो गया तो आप इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, s बराबर आपका होता है a, s बराबर आपका होता है n/2, ब्रैकेट में आपका होता है 2a + (n-1)d। n का मान आपका है 76/2, यहाँ पर 2, a का मान आपका है -5 + n का मान है 76 - 1 और d का मान आपका है -3। इसी को आपको हल करना है तो 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 - 5 = -10 + 76 में से घटाएंगे तो 75 * हो जाएगा -3। यहां से हो जाएगा आपका 38 -10, 75 * 3 करेंगे तो कितना होगा -3 × 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, यानी 225 आपका हो गया। उसके बाद से आपको करना क्या है, -225 और -10 कितना होता है -235 * आप 38 कर लीजिए, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो करा लेते हैं, 235 में आपको 38 से मल्टीप्लाई करना है, 225 में 38 से, तो 8 × 5 = 40, 8 × 16 = 20, फिर 8 × 16 = 18, यहाँ से 3 × 15 = 5, 3 × 6 = 7, फिर 3 × 6 तो हो जाएगा 0, 5, 8 × 7 = 15, 6 × 7 = 8, यानी 8 × 5 = 5, 0, ये माइनस लगा ही रहेगा तो 8 × 5 = 5, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका है 7 + 10 = 1/2 + 14 + …84। यहाँ पर आपको हल करना है तो an का मान आपको पता है कितना दिया है, an का मान जो दिया है वो आपका है 84, a का मान आपका है 7
अब टी का मान निकाल लीजिए, ए टू माइनस का ए वन, ए टू का मान है 10 सही 1/2, अब माइनस का कर दीजिए ए वन, ए वन का मान है 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 20 21/2 माइनस का 7, इसको आप हल कर लीजिए तो आपका 7 × 14 21 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 7/2। ठीक, यहां तक आपको क्लियर है? यहां से एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व किया है तो 7 × 14 21 में से 14 घटाएंगे 7/2। अब आपको पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। यहां पर आपका ए एन का मान है 84 बराबर ए का मान आपका है 7 प्लस एन माइनस वन और डी का मान आपका कितना है 7/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो यहां से 84 में से आप 7 घटा दीजिए तो 84 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 बराबर मिलेगा एन माइनस वन इंटू का 7/2। तो यहां से एन माइनस वन बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 77 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 77 × 2/7, 7 से काटिए तो 11 आएगा, तो 11 × 22 यानी आपको मिल जाएगा एन माइनस वन बराबर मिल जाएगा आपको 22। तो एन बराबर आपको कितना मिल जाएगा 23। एन का मान आपने निकाल लिया 23, अब इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर लीजिए तो यस बराबर आपका होता है एन बाई टू, ब्रेकेट में होता है आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, एन का मान आपका है 23/2, 2a का मान आपका है 7 प्लस एन का मान आपने कितना निकाला है 23 − 1 और डी का मान आपका है 7/2। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 23/2 वैसे ही रहेगा, फिर 2 का 7 में गुणा करेंगे 14 आएगा, 23 में से घटाएंगे तो 22 गुणे हो जाएगा 7/2, यहां से 2 से काटिए तो 11 आएगा। अब आपको करना क्या है, 23/2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 गुणे हो जाएगा 23/2 प्लस 11 के साथ में गुणा करेंगे 77 गुणे हो जाएगा 23/2, 2 से काटिए तो 2 × 7 = 14, तो 7 का 23 में गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21 को 1 बचे 2, 7 × 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 77 × 23/2, तो इसको आप गुणा कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वही जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपका है निम्न समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 9 क्वेश्चन पूछा गया है, 9 क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं यानी 9 क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको ए बराबर दे रखा है 7, फिर आपको दे रखा है ए 13 बराबर आपको दे रखा है, ए 13 बराबर आपको दे रखा है 35, फिर बोला जा रहा है डी और यस 30 का मान निकालिए। आपको निकालना है डी का मान और यस 30 का मान आपको निकालना है, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना है। ए का मान आपको 7 दे रखा है, ए 13 का मान 35 दे रखा है, डी का मान आपको ज्ञात करना है, यस 13 का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको यनवा पद का फार्मूला बताया था, यनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। यनवा पद लगाने का मतलब यह है कि यहाँ पर ए 30 का मान दिया है यानी यन का जो मान यहाँ पर है 13 है, यानी ए 13 का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए तो ए 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन का मान कितना लेना है 13, तो 13 माइनस का 1 इंटू का डी, ए 13 का मान आपको दे रखा है 35 बराबर ए का मान आपको 7 है प्लस 13 में से घटाएंगे 12 और डी का मान आपको नहीं पता है तो डी रख दीजिए, तो यहां से आप 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 बराबर मिल जाएगा 12d, तो डी बराबर कितना मिल जाएगा 28/12, 4 से कैंसिल करिए 4 × 7 = 28, फिर 4 × 3 = 12, यानी डी का मान जो आपने निकाल लिया 7/3। एक तो मान आपने निकाल लिया, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकल लिया कि डी का मान 7/3। अब आपको यस 13 का मान निकालना है,
तो इसको ध्यान से समझिएगा, यस 13 कैसे निकालेंगे। यस बराबर आपका होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू का डी होता है। ए आपका किसी भी श्रेणी के योगफल का फार्मूला होता है। लेकिन आपको यस 13 निकालना है तो कुछ करना नहीं होता है, आपको यस 13 निकालने के लिए जहां जहां एन है वहां 13 यूज करना है। तो एन की जगह पर 13/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का मान आपको कितना पता है, 7 प्लस एन का मान 13 लेना है, 13-1। और डी का मान अभी आपने निकाला है 7/3, इसी को आपको हल कर लेना है। तो यस 13 बराबर आपका हो जाएगा 13/2, 2 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 13 में से घटाएंगे 12 हो जाएगा 7/3, 3 से कैंसिल करिए तो 3 चौक 12, तो 4 7 28, 28 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 42, यानी आपका मिल जाएगा 13/2 × 42। 2 से काटिए तो 2 2 4 2 1 2। अब 21 का 13 में गुणा कर लीजिए तो 13 × 21 करेंगे कितना आएगा, 13 1 13 को 3, फिर 13 2 26 और 1 27, यानी जो जस्ट 13 का मान आपका आया वो आपका 273 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक डी का मान एक आपका यस 30 का मान, तो दोनों मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्वेश्चन, आपको A3 का मान 15 दे रखा है, S10 का मान 125 दे रखा है, D और A10 का मान निकालना है। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको A13 का मान दिया था, S13 का मान आपको निकालना था, लेकिन जस्ट अपोजिट उसका है, इसमें आपको A10 का मान निकालना है। यानी कि श्रेणी का योगफल दे रखा है, आपको A10 का मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। आपको यनमा पद का फार्मूला पता है कि यनमा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। यनमा पद यानी कौन सा पद है, तीसरा पद, यानी A3 बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस A3 है, यानी एन का मान कितना लेना है तो 3-1 × d, यानी A3 बराबर आपको मिल जाएगा A+ का 2D। A3 का मान आपको है 15 दिया है तो A+ का 2D, यानी A+ का 2D बराबर आपको मिल गया 15। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिएगा यहां पर S10 का मान 125 दे रखा है, S10 का मान आपको 125 दे रखा है, तो S10 बराबर आपका होता है N/2 2A+(n-1)(d). जस्ट टेन का सेंस है कि जहां जहां एन है वहां आपको 10 यूज करना है। तो यस टेन का मान आपका है 125, एन का मान आपको रखना है कितना रखना है, एन का मान जस्ट टेन दिया है यानी एन का मान जो है वो 10 लेना है। तो यहां से हो जाएगा आपको 10/2 2A, A का मान नहीं पता है, प्लस एन का मान आपको कितना लेना है 10-1, और डी का मान आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप इंटू का डी कर लेंगे। यहां से आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, यहां से आपका हो जाएगा 125/5 2A+ 10 में से घटाएंगे 9 × d। ये 5 से इसको काट सकते हैं तो 5 से काटिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 25, यानी आपको 2A+ का 9D बराबर आपको मिल गया 25। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 आपका A+2D = 15 है और समीकरण 2 आपका A है। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप A या D का मान निकाल लीजिए, फिर आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 × 2। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2A+ का 4D = 15। समीकरण 2 आपका ये दिया ही है तो ये आपका हो गया, मैंने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया, तो इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से, तो लिखेंगे समीकरण लिखेंगे, यहां पर देखिएगा एक चीज गलती हुआ है आपका, 2 से गुणा करेंगे तो 2A+ का 4D = 15 में भी 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
तो लिखेंगे समीकरण तीन माइनस समीकरण दो। तो समीकरण तीन आपका कितना है, समीकरण तीन आपका है 2a प्लस का 4d बराबर 30, और समीकरण दो आपका है 2a प्लस का 9d बराबर है आपका 25। अब घटा दीजिए तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 9d में से 40 घटाएंगे, माइनस का 5d बराबर माइनस 25 और 30, तो 30 में से माइनस 25 घटाएंगे तो 5, ए 5 से ए 5 कैंसिल, यानी डी का जो मान आ गया वो आपका आ गया माइनस का 1। यानी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कर लिया कि डी का मान आपका आ गया माइनस का 1। अब आपको निकालना है ए 10 का मान, तो आपको पता है कि यनवा पद का फार्मूला होता है ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यन दिया कितना लेंगे 10 माइनस 1 इंटू का डी। तो ए का मान आपको कितना पता है, ए का मान आपको नहीं पता है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का मान समीकरण एक या समीकरण दो में रख दीजिए। तो डी का मान हम समीकरण एक में रखते हैं, तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में, तो डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो ए प्लस दो का माइनस एक में माइनस का दो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15, यानी ए का मान आपको मिल जाएगा 17। ए का मान आपने निकाल दिया 17, अब यहाँ पर रख दीजिए तो 17 हो जाएगा प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 और डी का मान माइनस का 1, तो 17 माइनस का 9 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, यानी ए 10 का जो मान है वो आपका 8 है और डी का जो मान है माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।